नमस्कार, स्वागत है आपका ताजमहल की नगरी आगरा से। हम लेकर आ गए हैं वोटों की बारात। जी हाँ, जनता और उसके नेताओं का सीधा संवाद हमारे इस कार्यक्रम में होता है और उसका दूसरा एडिशन है। कल गाजियाबाद था, आज हम आगरा पहुंच गए हैं जहां आगरा के लोग मौजूद हैं सीधे सवाल पूछने के लिए अपने नेताओं से, और आगरा से राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। तीनों से परिचय करा दूं आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रईसुद्दीन नगर अध्यक्ष हैं आगरा समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपक ढल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा के, और स्वागत कीजिए संतोष आनंद का, मंडल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के। और मेरा साथ देने के लिए राजीव सक्सेना है, सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है आगरा के, स्वागत है आपका भी। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आगरा की इस जनता का और देश के उन तमाम लोगों का जो आज आप सबको टीवी पर देखेंगे, इस चर्चा को सुनेंगे और जानेंगे कि आगरा के लोग कितने जागरूक हैं। वोट के चार दिन पहले वो अपने नेताओं से कितने सारे सवाल करने के लिए आए, और आमतौर पे लोग कहते हैं नेता आते हैं प्रवचन दे के चले जाते हैं, इसलिए हमने तय किया कि नेताओं का प्रवचन नहीं होगा, नेताओं का वचन होगा। नेता इस कार्यक्रम में वचन दे के जाएंगे कि अगर आप हमें चुनेंगे तो हम बदले में आपके लिए क्या काम करेंगे, और साथ ही वो सारे सवाल जो आप अपने नेताओं से पूछना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके बीच में आके आपकी बात इन नेताओं तक, सरकार तक, राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाने की। तो शुरुआत करते हैं सर वचन से ही। सबसे पहले दीपक ढल साहब, आप बताइए क्या वचन देते हैं आप आगरा की जनता को? अगर आपकी पार्टी को चुनती है आगरा की जनता तो क्या मिलेगा उनको? आगरा की जनता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आगरा की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देती आई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, दो दो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का आगरा की जनता बनाती है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आगामी आगरा के लिए जो भी विकास की योजनाएं हैं वो निरंतर आगरा में चलती रही हैं। हमारे दोनों विधायकों ने, माननीय सांसद जी ने एक गंगा जल लाने का जो प्रण लिया है इस आगरा शहर के लिए, वो इस योजना को बहुत जल्द पूरा कर आगरा की जनता को गंगा जल मुहैया कराएंगे। पता ना आपको गंगा जल कब पिलाया जाता है? गंगा जल निरंतर, गंगा जल अब निरंतर इससे स्नान करेंगे, और गंगा जल इस आगरा की जमुना को जो सूखी पड़ी है उसको पूरा करेगा। गंगा और जमुना का मिलन इस आगरा की धरती पर होगा, सुबह तुल की नगरी पर होगा। इनसे वादा पूछिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? रईसुद्दीन साहब आप बताइए आप क्या करेंगे? तो आरोप लगा रहे हैं इनके नेता को, पिटवा दिया आपने जिनको आना था आज। हम जो कर रहे हैं 1947 के बाद अगर आगरा की सरजमी को और आगरा के बैनुल अक्वामी शहर को, यानी आगरा के इंटरनेशनल शहर को चमकाने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। ये मिसाल हम तो काम करके दिखाते हैं। ताजमहल के आसपास अगर आप भ्रमण करने जाएं या जितने पर्यटक आते हैं अगर वो देखें तो पेरिस से कम नजर नहीं आएगा। ये काम कर हमने पिछले 5 साल में की सरकार में करके दिखाया। दूसरा, आगरा में रिंग रोड 22 महीने में बनाने के बाद, तैयार करने के बाद दिखा दिया गया। आगरा से एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 310 किलोमीटर का 22-23 महीने में बना खड़ा कर दिया। हमने आगरा की जनता को दिया है, और इतना दिया है, ये जो कह रहे हैं ये माननीय नगर विकास मंत्री जी की एक योजना जिसको हमने फलीभूत कराया, जो गंगा कैनाल से पानी लाने का काम किया, मैं खुद, ये सारी आगरा की जनता जानती है। हम लोग जाने के बाद, वहां से सर्वे करने के बाद पूरी लाइनें बिछवाने समय समय पर चढ़ाए, लेकिन इनका काम तो झूठ बोलना है, और झूठ झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है, और झूठ की फैक्ट्री के बसारे ये चलते हैं। सर, आगरा नॉर्थ के उम्मीदवार हैं जगन प्रसाद गर्ग जी, उनका आरोप है कि आपकी पार्टी के नेता ने पिटवा दिया उनको कल। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, घटना है ये, वही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आगरा की जनता इस वक्त जो चल रहा है, जो रोल चल रहा है, हमारे लोग पूरी तरीके से, क्योंकि जनता, आपने देखा होगा अभी जो रोड हुआ माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी का, आगरा की जनता हुजूम सड़कों पे, आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया, और वो देखने लायक हुजूम था। ये से बौखला गए,
तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, इल्जाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक को पीट डाला, तो मेरे ख्याल चौथी बार जो विधायक है 20 साल से कर रहे हैं। जनता में मकबूलियत होनी चाहिए, कि मकबूलियत जब जनता में उनकी नहीं रही तो लोग उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने की बात यही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अगर इस आगरा की सोहेकुल की नगरी को आप समझते हैं कि यह आगरा की नगरी सोहेकुल की नगरी है, राजनीतिक दल में किसी का द्वेष भावना नहीं होती है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में डर नहीं था तो पप्पू के साथ मित्रता क्यों करी? अगर आपको इस आगरा की जनता से डर नहीं था, अगर माननीय विधायक जगन प्रसाद गर्ग से आपको किसी प्रकार का डर नहीं था, तो आपका पदाधिकारी, आपका दायित्ववान कार्यकर्ता उस पर हमला क्यों करता है? इसकी शर्मनाक भर्ती ना होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि फाजिल मेरे दोस्त, एक मिनट, मेरे फाजिल दोस्त महानगर के अध्यक्ष हैं, महानगर भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अगर राजनीति में, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है तो वह अपने कार्यकर्ता को पद से मुक्त करें, उसको दंड दें। और इस प्रकार आपको खुद समझना चाहिए, आप महानगर के अध्यक्ष हैं, उसको आपको दंडित करना ठीक, चाहिए। ठीक 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 संतोष आनंद जी, संतोष आनंद जी, दीपक ढल जी, आगरा की 9 विधानसभा सीटें। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, रईसुद्दीन जी एक मिनट, एक मिनट, रईसुद्दीन जी एक बार संतोष जी की बात सुनिए ना, संतोष जी की बात भी सुन लीजिए। 9 में 6 विधायक तो उनके, क्रेडिट सारा आप ले जा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं क्या 5 साल? थोड़ा उनको भी सुनिए एक बार, उनके पास भी कोई प्लान होगा। वो कह रहे थे कि 9 की 9 सीट इस बार ले आएंगे। बोलिए सर। हम आगरा की जनता, आगरा के पूरे जनपद की जनता के शुक्रगुजार हैं कि 2012 में, 2007 में भी आगरा की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के 6-6 विधायक जिताए। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे सभी विधायकों ने, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय बहन मायावती जी ने पूरे आगरा जनपद के लिए विकास की गंगा बहा दी। सभी सम्मानित जनता, सर्व समाज की सम्मानित जनता, मान सम्मान, स्वाभिमान, विकास और न्याय, सुरक्षा सब आदरणीय बहन मायावती जी देती हैं। आगरा के अंदर बहन मायावती जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 18-18 ओवरब्रिज बनवा दिए बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से लेकर। अरे मैं नाम नहीं बताऊंगा, सुनिए, बाजितपुर का ओवरब्रिज, सिकंदरा का ओवरब्रिज, तमाम ओवरब्रिज, गुरुद्वारे का ओवरब्रिज बहन मायावती की सरकार में, बरहन आरओबी, जवाहर नगर भैंस आरओबी, 18-18 ओवरब्रिज, तमाम गरीब लोगों के लिए 3 लाख फ्लैट, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग गरीब लोग फ्लैटों में रहेंगे, 3 लाख फ्लैट उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी ने बनवा के गरीब लोगों। सर एक मिनट, उत्तर प्रदेश मेरे पास एक थर्ड अंपायर भी है ना, उत्तर प्रदेश में एक राय उनकी लेते हैं, फिर आप बोलिए, दीजिए क्या जवाब देना चाहते हैं। बोलिए उत्तर प्रदेश में ढल साहब, गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, गंगा कैनाल से पानी लेके हमारे, जो कौन सी गंगा थी जो बहा दी इन्होंने? 2007 में जब मायावती जी की सरकार बनी, ये प्रोजेक्ट हमारा, मैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ 2007 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट लागू हुआ, बहन मायावती जी ने प्रोजेक्ट बनवाया इसको। आपने और आपकी सरकार में, आपकी सरकार में 12 से केवल एक समाज सरकार में प्रोजेक्ट लागू किया, आपकी सरकार में 2012 के बाद इस प्रोजेक्ट को रोका गया, समाज के लिए। इस बार 2017 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, वो भी आपके समुदाय के लिए, वो भी आपके समुदाय के लिए, जबकि सर समाज ने सर एक मिनट, रईसुद्दीन साहब एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आप इन पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो किया वो केवल दलित समाज के लिए किया जी। आपके मुख्यमंत्री तो छाती तान के लिस्ट जारी करते हैं अपने पिताजी से झगड़े के बाद कि देखिए हमने मुसलमानों के लिए कितने सारे काम किए, तो वो दलित के लिए कर रहे हैं, आप मुसलमान के लिए कर रहे हैं। 80% वोटर हिंदू है आगरा का, उनको कोई नहीं पूछता क्या? अगर दलितों से बस्तर पोजीशन किसी की है तो मुसलमान की है, और मुसलमान के लिए अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेता जी ने अगर सोचा है तो पूरी मुसलमान कौम हिंदुस्तान की उन्हें धन्यवाद देती है, उनके इस फैसले का इस्तकबाल करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पोजीशन है, आप देखिए, आप मिश्रा आयोग को उठा के देख लीजिए, जसवंत आयोग की उठा के देख लीजिए,
ये जितने आयोगे बदतर से बदतर है। एक बात बताइए, मैं अपने थर्ड अंपायर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजीव सक्सेना जी, जब आम आदमी वोट डालने जाता है विधानसभा के लिए, वो ये देखता है कि उसके इलाके की सड़क बनी या नहीं बनी, वो ये देखता है कि उसके इलाके में साफ सुथरा है कि नहीं है, वो ये देखता है कि राज्य की सरकार उसको सड़क चलते सुरक्षा मुहैया करा सकती है, माँ बहनों को ये नहीं करा सकती है, ये देखता है कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में क्या आया था और उसमें कितना लागू हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है और कुछ ऐसा ही हुआ है। इन लोगों के अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने एजेंडे हैं और उन पर काम कर भी रहे होंगे, पर ज़मीनी हकीकत आगरे की जनता का रिएक्शन जो आप सब देख रहे हैं, आगरे की जनता में से ज़्यादातर लोगों को ये उलझाने की कोशिश की जाती रही है कि नगर पालिका का काम है ये विधायक का काम है, ये लोकसभा का के एमपी का काम है, पर कुल मिला के ज़मीनी हकीकत ये है कि आगरा प्रॉब्लम से भरा हुआ है। सफाई नाम की चीज़ यहाँ नहीं है, वाटर प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम बहुत बुरी तरीके से है। JNURM का पैसा आया, उसका सही उपयोग नहीं हुआ। तार ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के तहत जो पैसा आया, उसका सही उपयोग नहीं हुआ। आगरे को सिविल एविएशन की वेल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, हवाई अड्डे के नाम पर केवल मजाक होती रही, वो नहीं हुआ। एक सज्जन सैफई में हवाई जहाज उड़ाते रहे, चलवाते रहे, एक्सप्रेस वे पे उतरवाते रहे, पर आगरा के हवाई अड्डे को की कनेक्टिविटी सिविल साइट से नहीं करके दी। दूसरे सज्जन जेवर में बनवाते रहे और दोनों का मकसद है कि आगरा में हवाई अड्डा नहीं बने। अगर यहाँ बन गया तो 150 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है भारत सरकार का, उसके तहत ना जेवर में बन पाएगा ना सैफई में बन पाएगा। तो ये उलझाने वाले काम है। आप ये बताइए, बड़े बड़े वायदे करते रहे 60-62 करोड़ रुपए रिलीज करने के लिए, इनको इतना सब 5 साल लग गए। मेन इशू ये आगरे की ज़रूरत है। इसी तरीके से मैं बैराज वालों के जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उस पर भी कहना चाहता हूँ, ये हकीकत है। शायद वो लोग कह नहीं पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 2007 में ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था। 2007 में जिसकी गवर्नमेंट हो, जो भी पार्टी की हो, उसको ये क्रेडिट जाता है, ये सेंक्शन हुआ था। इसके बाद जो बाद की गवर्नमेंटें आई, जो भी कोलिशन आए, जो भी आए, उन लोगों ने केवल जांच कराने का काम किया और हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी कॉस्ट रिवाइज होती गई। आज ये प्रोजेक्ट, इसकी वायबिलिटी का अंदाज इससे लगा लीजिए कि इसका जो जल मूल्य और जल कर लगेगा वो आगरे की 50% जनता देने की स्थिति में नहीं है। अब मैं जनता से पूछ लेता हूँ ना एक सवाल सीधे सीधे, क्लीन आगरा ग्रीन आगरा दिखाई देता है आपको? हाँ कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, नहीं दिखाई देता सर। सुरक्षा महसूस होती है आपको रात में घर से निकलते हुए? नहीं महसूस होती है सर। आप भी बता दीजिए, कहीं आप ये ना कहें कि हमसे नहीं पूछा। सुरक्षा आपको लगता है कि मुद्दा है चुनाव का? पीने का पानी चुनाव का मुद्दा है कि नहीं? तो आप जब वोट डालने जाते हैं, पीने के पानी को देखते हैं, सड़क को देखते हैं या फ्रीबीज को देखते हैं? चलिए देखिए, मैं जनता के बीच में जाता हूँ। लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों के सवाल लूँ। आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं रईसुद्दीन साहब से जवाब लेते हुए वहाँ जाऊँ। बोलिए। आगरा के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और आगरा के संपादक रहे और मेरे बड़े भाई सक्सेना साहब जी ने बहुत अच्छे विषय उठाए हैं इस आगरा के लिए और फिर निरंतर चल रहे हैं। 2007 में जब ये पास किया गया तो मैं उसमें सभासद था और हमारा मेयर था भारतीय जनता पार्टी का, वह सदन से पास होकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया था। यह मैं आगरा की जनता को बताना चाहता हूँ। और यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबकी कृपा से, आप सबके मत से बनेगी, तो आगरा में एयरपोर्ट भी दिया जाएगा, बैराज भी दिया जाएगा और आगरा की जनता को सुरक्षा भी दी जाएगी। ये आपसे सवाल पूछ रही है, पूछिए। मैं इनको ये कह रही थी कि पहली बार बड़ा मंच मिला तो अपनी मर्यादा भूल गए आपने, आप शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो पहले ये बताइए कि आगरा अच्छा कैसे होगा, दो दो विधायक भाजपा।
मुख्यमंत्री किसका है? मुख्यमंत्री से मतलब नहीं, वो आपका है क्या? भाई मैंने पहला ही सवाल आप लोगों से ये पूछा था, उनका सवाल वही है जो मैंने आपसे पूछा था, आपके पास आगरा के लिए प्लान क्या है? प्लान तो बता दीजिए कम से कम। जो हमारे बड़े भाई ने जो चीज बताई है, जो 2007 में सदन से पटल सर भेजी थी नगर निगम से, जो आज तक उस पर लागू नहीं हुआ, उसको लागू करने का काम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस आगरा को देगी। एयरपोर्ट के लिए जगह भी दी जाएगी और बैराज भी बनवाया जाएगा और इस उत्तर प्रदेश में आगरा में सुरक्षा व्यवस्था भी, लॉ एंड ऑर्डर भी। किससे सवाल है? मेरा ये बीजेपी के जो बोल रहे हैं उनसे सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन पे आपको बड़ा दर्द हो रहा है, आपने चंद्रबाबू नायडू से किया, रामविलास पासवान जी से किया, ऐसी ऐसी बीसीओ पार्टियों से किया, आपकी कुर्सी से किया, हाँ महबूबा मुफ्ती से किया, आपकी कुर्सी खिसक गई, केंद्र की भी राज्य की तो बात ही मत करो, 50-50 100 पे सिमट जाओगे दोनों पार्टी। रोहित जी मैं जवाब दूंगा, रोहित जी आप, मैं जवाब दूंगा इनका, आपका गठबंधन गठबंधन, इनका गठबंधन तो ठगबंधन। क्यों बोलिए? वो इसलिए क्यों, अगर अखिलेश जी को अपने ऊपर विश्वास होता तो वे ये गठबंधन ना करते। आप जवाब सुन लीजिए ना उनका जवाब सुन लीजिए जी का। बोलिए, भय हो गया, इतना भय हो गया कि दोनों जने इस उत्तर प्रदेश में गठबंधन में आ गए। बोलिए, देखिए तीनों पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आगरा की जनता देश की आज़ादी के बाद जो त्रासदी आज तक झेलती आई है, 21 लोग यहाँ का जहरीला पानी पी के मर गए, कोई नहीं बोला। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हम बहुत बड़ी इस स्थिति में बैठे हैं कि बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारे पास हैं। हम केवल, हमने सुना जरूर था कि हरिश्चंद्र शमशान की पैरवी करते थे और वहाँ पर टैक्स लगता था। आज हम ये महसूस करते हैं कि हमें इन कब्रों पर भी टैक्स लगा करके लोगों से पैसे लेते हैं और आगरा के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलता। पर्यटन, पर्यटन को आप क्या दे रहे हैं, क्या बढ़ावा हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं है। यमुना बिल्कुल कंक्रीट का नाला बन गई है और यहाँ प्लेटफॉर्म पर पानी बह करके निकल के चला जाता है। पानी के जहाज चलाने की बात कही जाती है, यमुना की डिसिल्टिंग नहीं हो रही है और मतलब यमुना बुरी हाल में है। इसके साथ साथ मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। सवाल किससे आपका? मैं सबसे कर रहा हूँ क्योंकि सरकार लगातार इनकी रही है, चाहे बीएसपी की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सपा की रही हो। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जहाँ मुस्लिम की बात आती है तुरंत उसको दूसरे तरीके से घुमाने का काम, कितने मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियो में आपने महिलाओं की डिग्री कॉलेज दे दिए, बताइए सर। एक एक करके जवाब दीजिएगा, तीनों को जवाब देना चाहिए इसका। आप पहले बोलिए रईसुद्दीन साहब, फिर मैं इनके पास जाऊंगा, इनके 6 विधायक हैं, फिर आपके पास आता हूँ। बोलिए रईसुद्दीन। देखिए, मैंने जैसे बताया कि झूठ की फैक्ट्री है इनके पास, गठबंधन को लेकर इतने उतावले हैं ये कि इनकी जड़ें और इनकी नींवें कमजोर हो चुकी हैं। आपका काम बोल रहा था तो मेरा, आपको साइकिल पे मेरा काम बोल रहा है, मेरा काम बोल रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। काम बोलता तो आपको साइकिल को धक्का लगाने की क्या जरूरत है किससे? हमारा काम बोल रहा है, वही तो पूछ रहे। काम बोल रहा है, मैं आ रहा था आगरा, पूरी तरीके से ले ही आते। मैं आगरा आ रहा था सर, रास्ते पर रेडियो पे वही बात बताने जा रहा है, काम बोलता है वही बताने जा रहा है। दिखता क्यों नहीं? धत्ता बताते हुए माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल यादव जी एक साथ निकले तो इनकी नींव हिल गई, इनकी नींव हिल गई। आज ये दौर है साहब, मैं बता रहा हूँ आपको सर, आज ये दौर है कि इस दौर के अंदर इन लोगों ने कितने गठबंधन किए, हमने कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन एक जरा सा गठबंधन हुआ जो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक एक क्योंकि यूपी को ये साथ उन्होंने सवाल पूछा तो टूरिज्म के लिए क्या करेंगे तो आपने क्या कहा राहुल गांधी को गठबंधन किया, इतनी घबराहट हो गई है सर। उन्होंने सवाल पूछा टूरिज्म के लिए क्या करेंगे तो आप बता रहे राहुल गांधी से गठबंधन किया। टूरिज्म के लिए मैं बता रहा हूँ, टूरिज्म के लिए मैं वो बात बता रहा हूँ, आदरणीय राजीव साहब ने बताया, देखिए, और जैसे जैसे भाई ने बताया हमारे दिग्विजय सिंह जी ने, भैया जी ने, मैं आपको वो बात जवाब देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर जो टैक्स वसूला जाता है मोनूमेंट से, उस मोनूमेंट का हिसाब यहाँ लगाया जाता है, लेकिन उस मोनूमेंट को सजाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी 400 करोड़ खर्च करके इसको पूरे को सजाने का काम किया है। दूसरा रिंग रोड बना के काम दिया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनकी केंद्र की सरकार क्या कर रही थी ये सारे साथी जानते हैं,
अंडर पास जिस ताजमहल से नहीं बना पाए, जिस ताजमहल से आगरा का टूरिज्म चलता है, आजम खान कह रहे थे वक्फ बोर्ड के हवाले कर दो इसको, तब तो नहीं बोला कोई भी, इसलिए कहा था, तब चुप हो गए, तब तो मैं, सर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कहा था, तब आपको नहीं याद है टूरिज्म इंडस्ट्री ताजमहल पे डिपेंड करती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही जवाब देने जा रहा हूँ, उन्होंने इसलिए कहा था कि उसमें कब्रें मौजूद हैं, जैसे भाई ने अभी कहा कि शमशान और कब्रों पे जो टैक्स लगाने की बात है ये नहीं लगनी चाहिए, और जब आप टैक्स वसूल कर रहे हैं कब्रों से तो माननीय नगर विकास मंत्री जी मोहम्मद आजम खान साहब ने ये बात कही थी कि इसकी हिफाजत करने का काम भी हमें दे दिया जाए ताकि वहाँ के मजारात और मस्जिद की हिफाजत हो सके, प्रदेश की हिफाजत होने रही है, उसकी हिफाजत करेंगे मेमेंटो की, सर उत्तर प्रदेश की हिफाजत नहीं कर पा रही है, आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए प्लान क्या है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कब्रों की हिफाजत कर रहे हैं, सोचिए आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए प्लान क्या है आपके पास, सुनिए एक मिनट मेरी बात को, आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए प्लान क्या है आपके पास, ये तो बताइए, झूठ का बुलंदा है, केंद्र सरकार की एक योजना है, माननीय नितिन गडकरी साहब ने जमुना की 6 इंच खुदाई कराने का प्लान बनाया है जिसमें जमुना में पानी आएगा, दिल्ली से स्टीमर से वहां पर पर्यटन आएंगे और ताजमहल का गंगा साफ हो गई क्या सर, मोदी जी करने गए थे बनारस, पानी जमुना में रहेगा सर, गंगा साफ हो गई क्या, जो आप यमुना का सपना दिखा रहे हैं आप लोगों को, जमुना में इतना पानी रहेगा कि स्टीमर चलेगा, केंद्र सरकार की योजना है, और पानी के जहाज चलाने की बात नहीं, पानी का जहाज जमुना में चला गया, पानी के आगरा ने आपने क्या दिया वापस आगरा को, हमने आगरा को ये दिया, जब 2007 में परमा आदरणीय बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होने की वजह से पर्यटक लोग बाहर से नहीं आ पाते थे, तो आपने बहन मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाकर दिल्ली से आगरा को 1.5 घंटे में कनेक्ट कर दिया, ये बहन मायावती ने आगरा को दिया, और क्या प्लान है आपके पास आगरा की, और ये प्लान है कि आगामी चुनाव में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है तो पर्यटन के हिसाब से और भी तमाम सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, पूछे क्या सवाल है आपका किससे, सर मेरा सवाल है मेरे भाई रईसुद्दीन जी से, ये हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, मैं जी ये पूछ, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उत्तर प्रदेश आगरा में और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ दिया है तो क्या दिया है, चूर चोरी डकैती लूट अपहरण और अराजकता, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया है, और मैं बीजेपी के भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी दिल्ली से आगरा तक जमुना में जहाज चलाना चाहते हैं तो वो जहाज काय का होगा, कागज का होगा या लोहे का होगा, कागज का जहाज तो शिप चल सकता है, जो नाली में चलता है, जो जहाज नाली में चलता है कागज का वो तो इस जमुना में चल सकता है, बाकी आदमी पैदल निकल जाता है तो जहाज कहाँ से चलेगा, पांडे डायल में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आया कि हम इसको और अच्छा कर देंगे, 10-90 पावर वुमेन पावर को उनका और अच्छा कर देंगे, इनके बाद मैनिफेस्टो के नाम पे कोई चीज नहीं नजर आई, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं और 22 करोड़ की जनता इस उत्तर प्रदेश की, उसको माननीय अखिलेश यादव जी आप देख रहे हैं, 65% 70% जनता आज उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में आपके चैनलों पे दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि कोई चैनल तो 85% उनकी बात कर रहा है, तो आज अखिलेश यादव जी ये सब धरे रह जाएंगे, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते, आगरा की जनता को पिछले 25 साल से धोखा दे रहे हैं, अगर आगरा की जनता को कुछ दिया होता तो आगरा की जनता ने तो आज तक समाजवादी पार्टी के विधायक को नहीं बनाया, तो मैं आगरा की जनता को कहना चाहता हूँ कि इनके लॉ एंड ऑर्डर का, इनके गुंडे राज की भर्सना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए आप, हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा पुरानी, ये वादे पहली बार हो रहे हैं, हर बार ऐसे ही वादे होते हैं, नहीं नहीं देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगरा की जनता को कम से कम चुनाव में वोट डालते समय मालूम होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टूरिज्म की जितनी भी यूपी टूरिज्म की प्रॉपर्टीज हैं सबको बेचने का के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप सब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच देंगे तो टूरिज्म का कैसे डेवलपमेंट करेंगे, पूरे यूपी टूरिज्म की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबको बेचने के लिए कोई हरियाणा की फर्म है उसे कंसल्टेंट नियुक्त किया हुआ है और उसको बेचने की तैयारी है, नंबर एक बात ये लोगों को बताना चाहिए, दूसरी चीज
यूपी गवर्नमेंट नीदरलैंड से एक MOU दस्तखत किए हुए है, साइन किए हुए है, और उसमें 18 रबड़ बैराजें बननी है। अब इन बैराजों की कम से कम यमुना नदी में क्या उपयोगिता है, आज तक कागज पत्र में लेके बताने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि यमुना नदी एक छोटी नदी नहीं है, इसमें 7 लाख क्यूसेक पानी तक डिस्चार्ज होता है। जनता को आप खुल के बताइए, अगर आप पे कोई योजना है, आप छुपे हुए दस्तखत क्यों करते हैं अपने घर में बैठे। तीसरी चीज एक और भाई, तीसरी चीज एक और रईस भाई, तीसरी चीज एक और आगरा की जनता को जानना चाहिए जो जरूरी है। ये जो लोग कहते हैं कि हम पानी का जहाज लाएंगे, उसकी भी एक सुन लीजिए, वो हकीकत ये है कि ये शारदा कैनाल का पानी लाके इसमें यमुना में डालना चाहते हैं, और उस पानी को लाने के लिए गंगा नदी पे एक्वेडक्ट बनाना पड़ेगा, राम गंगा पे बनाना पड़ेगा, वेस्टर्न यमुना कैनाल पे बनाना पड़ेगा। ये आउटडेटेड योजना है, 1980 में चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट के समय किसी समय बनी थी, बाद में वो वाइबल नहीं रही, वाटर लेवल दोनों के अंतर हैं। ठीक है, अगर गडकरी जी बनाना चाहते हैं तो बताएं, आके आगरा के लोगों को बताएं, समझाएं, ना कि ये केवल आप नहीं नहीं बताया, ठीक है, आज तक कभी नहीं बताया। गठबंधन से सवाल है जिनका, पूछे क्या सवाल है सर। एक तो पहला सवाल है एजुकेशन पर, एजुकेशन की इतनी हालत बुरी है, एजुकेशन बिकती है 4,000-5,000 रुपए, परसेंटेज 90% आते, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते लिख के, ये हालत हो गई उनकी। नंबर दो, 2012 में सरकार आई साइकिल की, रात को हम उठ लाइट जाती थी 2 बजे उठ फोन मिलाते थे, लाइट क्यों गई है, कि अखिलेश के आदेश से साल लाइट काट दी गई आगरे की। तीसरा सवाल है सुरक्षा से सर, सुरक्षा से ये सवाल है कि मेरी माँ गई बाजार में और बाजार में चैन कट गई उसकी, कोई सुरक्षित महिला नहीं है सर। ठीक है, चौथा सवाल है मेरी सड़क से लेके ये सवाल है, मधुनगर से जो देवरी रोड जाता है, और जन्माष्टमी के समय वो रोड बनाई गई थी, सिर्फ एक बारिश के बाद वो 1.5 करोड़ की रोड बह गई है, रोड का पता ही लगा सर। बताइए रईसुद्दीन जी। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन, मैं ये दोष नहीं देना चाहता कि केंद्र सरकार और गवर्नर साहब के अंडर में ये तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटी से जाती हैं, लेकिन इस पर संजीदगी से विचार होना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, सारे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये लोग करेंगे क्या विचार, आप ही की बात कर रहा हूँ, आप करेंगे सरकार चलाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ऐसा कांड किया था वो सारे के सारे गिरफ्तार हुए हैं, और एजुकेशन के नाम को बदनाम करने के लिए यही आगरा की जनता और आगरा के ये तथाकथित नेता जो यहाँ मौजूद हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बताई, आपने एक दूसरी बात और कौन सी बताई, इन्होंने बिजली का सवाल उठाया, बिजली का सवाल उठाया, मैं आपको बिजली के बारे में बता देना चाहता हूँ कि बिजली 24 घंटे आगरा में उपलब्ध है। पहले सुन लीजिए, 24 घंटे बिजली आती है क्या आगरा में, आगरा के 24 घंटे बिजली आती है क्या आगरा में, लोग हैं सब बाखूबी जानते हैं 24 घंटे बिजली आती है क्या आगरा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ, 1947 से किसी ने इस पे विचार नहीं किया, SN मेडिकल कॉलेज को स्वतंत्र फीडर से लाइट देने का काम 2012 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने, उत्तर प्रदेश की बिजली, और उत्तर प्रदेश की बिजली, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बिजली की बात ये कर रहे हैं, बोले बोले आपका बोले, टोलेटों को गिरवी रखने का आगरे का काम बसपा के लोगों ने किया। पांच जिलों में चली गई, मैं जिलों के नाम गिनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए, बताओ, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा और कन्नौज, मात्र जिलों ने किया, पूरी चली गई, का काम बसपा के लोगों ने किया, ऐसा काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। किससे सवाल है आपका, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, किससे सवाल है आपके खिलाफ, इन्होंने कोई काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के, उन्होंने इस बात पे जीत चाहते उसको, मैं टोरेंट को आगरा से समाप्त कर दूंगा, उनके अधिकारी पूछिए इनसे, ये खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि नहीं कहा, दक्षिण विधानसभा के विधायक ने
ये कहां के टोरेंट को जब आदमी विरोध करता है करूंगा अगर आपने मुझे विधायक बना दिया क्या किया टोरेंट से रिश्ता कायम कर लिया और टोरेंट से मामला कर लिया और टोरेंट के साथ हो लिया क्या मैं रोहती आपके द्वारे कहना चाहूंगा अच्छा सुनिए ना जनता बैठी है यही इसका जवाब देगी सुनिए डल साहब सवाल है जनता किससे सवाल है टोरेंट से आपने दोस्ती कर ली बोले 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 मेरा सवाल पहले तो जी न्यूज जिन्होंने प्रोग्राम किया है अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर आगरा की 80% हिंदू पॉपुलेशन बैठी हुई है ये अभी आप लोगों ने कहा ये डेटा है यहाँ की जनसंख्या का जनसंख्या का डेटा है तो आपके सही आंकड़े कैसे निकलेंगे कि आपकी जो राय है वो कैसे होगी मेरा सवाल यहाँ पर अभी मोदी जी 56 इंच के सीने वाले है या नहीं है मेरा सवाल किससे आपका मेरा सवाल भी उन्हीं से है किनसे मोदी जी से या इनसे मोदी जी वालों से और ढल जी से भी है कि और आप मुझे सही सही ईमानदारी से बताएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक होर्डिंग लगाया है कि दलितों को अन्याय नहीं चाहिए ऐसी सरकार तो आपको दलितों के साथ अन्याय नहीं मिला है दलितों को तो आपको ऐसी सरकार नहीं चाहिए परिवर्तन के लिए भाजपा की सरकार चाहिए तो हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि यदि आपकी सरकार आती है तो महिलाओं के सम्मान की बात 3 तलाक की बात आप कर रहे हैं तो क्या हिंदू समाज में उन महिलाओं की बात आप करेंगे जो रामचरित मानस में ढोल गवार शूद्र पशुनारी क्या यह पंक्ति हटवाएंगे ये मेरा आपसे सवाल बोले सर महिला सम्मान के लिए आप क्या करेंगे आपने पोस्टर तो लगा दिए बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार करेंगे क्या ये तो बताया नहीं उसमें बहुत अच्छी बात पूछी है बताइए रोहित जी हमारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिसमें एक अलग से मावालियों के लिए एक अलग से पुलिस का सेल बनाया जाएगा जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से एक सेल बनाया जाएगा दूसरी बात जो वो 56 इंच की बात कर रही है तो वो आगरा के नौजवान जो कि अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा साइज मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से समझ जाएंगे कि हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सीने में मोदी जी का सीना है हर कार्यकर्ता में मोदी जी का सीना है तो उसको देख ले पहलवान खड़ा हो अपना जवानी चलती है उस और जमाना चलता है मित्रों और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे पहलवान बहुत है मेरे फाजिल दोस्त हम यहाँ पहलवानी करने नहीं आए यहाँ हम शब्दों की पहलवानी करने आए हैं आप शब्दों से मुझे पटकना तो मैं आपको मान जाऊंगा हर वर्ग की हर बच्ची को हर छात्रा को हिंदू हो मुस्लिम हो उसको फ्री शिक्षा का मैनिफेस्टो दिया गया है उसको इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से आप सब कहते हैं कि ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे ऐसा फ्री कर देंगे वैसा फ्री कर देंगे सर ये पैसा आपकी जेब से आता है कि हमारी जेब से लेते हैं आप लोग सब जनता का पैसा है जनता को ही दिया जाएगा तो फिर एहसान की तरह क्यों देते हैं सर कि हमने फ्री कर दिया हम तो एहसान नहीं कर रहे चाहते जनता का पैसा तो हमारा ही पैसा सर हमारी जेब से आप लोग लेते हैं कि आपका दोनों का काफी सालों से इस प्रदेश में राज रहा है मेरे घर का पानी पी सकते हैं आप यहाँ पे खड़े बैठे सारे लोगों का घर का पानी कह रहे हैं मुझसे पूछ रहे सवाल दोनों से पूछ रहे सर दोनों से पूछ रहे क्या इनके घर का पानी पीने लायक तो पानी पीने पीला पानी आता सर वो कह रहे हैं पीला पानी आता सर आप बनवा देना पी जाएंगे पीने का पानी यहाँ बड़ी समस्या है आप इस बात को मना कर रहे हैं तो गंगा कैनाल से पानी लेगा ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछना चाहिए आगरा में 25 साल से उन्होंने पानी क्यों नहीं दिया मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई रसूद जी से कि जब जो है इतने समय से बसपा सरकार रही समाजवादी पार्टी की सरकार है प्रेजेंट में 320 किलोमीटर का आपने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 22 महीनों में बना दिया आपने बताया जी। तो वो गंगा को आप अब तक क्यों नहीं ला पाए 22 महीनों में या ये 60 महीनों में गंगा की कोई पहल अभी तक तो सुनाई नहीं थी आपकी सरकार के चलते के कोई पानी लेके आएंगे तो गंगा जी इतनी आसानी से थोड़ी आती है गंगा जी को मना के ला तो रहे हैं वो भी तो कानपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है आपने 320 किलोमीटर का हाईवे बना दिया
बहुत अच्छा काम किया आपने 22 महीनों में, लेकिन जो जनता आगरा की प्यासी जनता है उसके लिए आप गंगा के क्या प्रयत्न किए आपने 200 किलोमीटर से यहाँ तक लाने के लिए, बताइए सर। हमने गंगा कैनाल से पानी लाने का काम किया है, गंगा जी को मना के लेके आ रहे हैं क्योंकि पहले भी गंगा जी से ले गए थे, कहाँ तक आ गए ये तो बता दीजिए, गंगा जी को लेकर कहाँ तक आ गए ये तो बता दीजिए, ये मुश्किल से दो महीने कहाँ तक आ गए ये तो बता दीजिए, कौन से मोड़ पे रुकी है जी, कौन से मोड़ या चौराहे पे फंस गई ट्रैफिक जाम में बता तो दीजिए। नहीं नहीं रोहित जी सुनिए, कम से कम उत्तर प्रदेश से 50 किलोमीटर का काम रह गया है जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या आने वाले, अरे इन्हीं की बात दीपक जी आप ही की बात करके बोलिए, एक एक करके दीपक जी के कह रहे थे कि मेरे विधायक ने ये प्रयास किया है लाने का, लेकिन ये प्रयास हमने करके आगरा की जनता को दिया, हमारे पास तो विधायक और सांसद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे काबिल मित्र को ये सवाल पूछना चाहिए था कि 22 महीने में तो हमने रिंग रोड बना दिया, 22 महीने में हमने इतना लंबा रोड बना दिया, लेकिन ये पूछे कि जो स्वार्थ में बना दिया का रास्ता है, स्वार्थ में बना अंडर पास बनाने में 7-8 साल क्यों लग गए। पूछे आपका सवाल किससे, आगरा की जनता मैं ये पूछना चाहता हूँ युवाओं के लिए, यहाँ का युवा पूरा तरीके से बेरोजगार है, युवाओं के लिए किसी पार्टी ने क्या किया है, यहाँ का युवा एक्चुअली यहाँ पर नॉन पॉल्यूशन कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ आदमी जॉब कर सकता है, एयरपोर्ट नहीं है वहाँ आदमी जॉब कर सकता है, इस तरीके से युवा कहाँ जाएगा, युवा बिल्कुल बेकार हो गए। बेरोजगारी को लेकर किसी भी पार्टी के पास कोई प्लान है क्या तीनों में से, आगरा के लोगों के लिए 2007 में जब बहन मायावती सरकार बनी तो 7 लाख एक एक करके बताइए, 7 लाख युवाओं को बहन मायावती जी ने नौकरियां दी, 7 लाख युवाओं को, 7 लाख युवाओं को बहन मायावती जी ने रोजगार दिया, कहाँ दी थी और ये भी बता दीजिए, अखिलेश जी ने आके हटा दिया क्या सबको, कौन सा आंकड़ा किसको दिया, पुलिस को दिया, किस विभाग को दिया, एजुकेशन को दिया, पुलिस को दिया, सफाई कर्मी दिया, तमाम सफाई कर्मी किसने दिया बता, बहन मायावती ने अपनी सरकार में दी 7 लाख बताइए, मैं कह रहा हूँ 7 करोड़ दे दिया हमने काम, इससे क्या मुंह जोरी से काम चलेगा, इन्होंने आगरा को बैराज क्यों नहीं दिया, आगरा को इन्होंने क्यों नहीं इंटरनेट सर बैराज चुनिए, बेरोजगारी पे बताइए ना, वो लड़का बेरोजगारी पे सवाल कर रहा है, आप बैराज पे अटका है उसको भी तक करके कर दी, सबसे बड़ी बेरोजगारी नोटबंदी करके कर दी इन्होंने, नोट बंद करके रोजगार वालों को भी बेरोजगार कर दिया इन्होंने, रोजगार वालों को भी बेरोजगार कर दिया, चलिए जवाब दो जनता को, इनके एक बोलिए डल साहब, पूरे मंत्री अपने बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, बोलिए डल साहब जवाब दीजिए, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, जवाब दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जवाब दे इस बात का, जवाब दे 8 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए का नए नोट इनके पास कहाँ से आ गए, 500 करोड़ जवाब दे आदरणीय प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए नोटबंदी का, वो आपको नहीं बचाएंगे, वो अपनी बात कहेंगे, आप इनका जवाब दीजिए फिर उनके पास जा रहा हूँ, लगा दिया बदलने के लिए, ये हमेशा जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं इन्होंने इस देश की जनता को 4-4 लाख 5-5 लाख नोट लाइनों में लगा दिया, चाहे वो आधार कार्ड आगामी चुनाव में इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी को करारा सवाल सिखाने के लिए तैयार है। अब मैं एक चीज देना चाहता हूँ, बोलिए 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 सर, एक 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 वो बोलने फिर आप बोलिए कि ये लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, पर एक हकीकत भी है, आप इसको जानिए, ना ये दे पाए हैं ना आने वाली सरकार देने की स्थिति में होगी, क्योंकि आगरा तार ट्रेपेजियम जोन में है, यहाँ छोटी भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने TTZ के चल रहे मुकदमे में संशोधन कराने का प्रयास किया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने, आज आगरा में नो इंडस्ट्रियल जोन की सी स्थिति है पॉल्यूशन के नाम पे, अगर आप कहते हैं हम कारखाने लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, वो लगवाएंगे, आगरा का मास्टर प्लान देख लीजिए, जो जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती हैं सब प्रतिबंधित दायरे में है, आप पूरी चीज़ सच्चाई क्यों नहीं लाना चाहते हैं, आप हंगामे का फायदा उठा के अपनी अपनी बात क्यों करना चाहते हैं, आपके आगरा मैनिफेस्टो जिनने जारी किए उनने भी नहीं क्लियर किया है कि आगरा में कौन सी इंडस्ट्री लाएंगे, कौन चलाएगा, आपने उन एफिडेविट्स को भी तैयार करके सही तरीके से नहीं दिया, अभी मैं कल परसों की पानी की बात कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन ट्यूनल में एक एफिडेविट दाखिल किया है, उसमें कहा है आगरे का पानी बहुत अच्छा है, जनता को अनुकूल है, क्या ये हकीकत है, इसी तरीके के एफिडेविट्स दिए हुए हैं तमाम, आप देखिए
और TTZ में आगरा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है नए नोटिफिकेशन में। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज भी नहीं किया है कि ये क्या शासन आदेश है। आप पोटैटो प्रोसेसिंग सेंटर तक आगरा में नहीं खुलवा सके तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आप सही तथ्य लाइए, जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं आप सब लोग? कई योजनाएं लाए हैं युवाओं के लिए, सॉफ्टवेयर का हाँ लाइन में लगाने की योजना लाए थे, जैसे नौजवानों के लिए लाइन में लगाने के लिए योजना लाते हैं। आने वाले समय में रोजगारों को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोजगार दिया जाएगा और वो अपने पैरों पर। सर एक बात तो बता दीजिए, अरे ढल जी एक बात तो बता दीजिए, पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार ने कितने रोजगार दिए लोगों को? चलो रईसुद्दीन जी आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? हमने उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम रोजगार मुहैया करा दिए। तमाम कौन से सर? मैं आपको गिना रहा हूँ। आपने पुलिस भर्ती देखी दिया कि नहीं? आपने पुलिस भर्ती देखी? आपने आपने रोहित जी सामने देख ले, आप मना कर रही है जनता, कुछ भी नहीं दिया। ये तो आप करवा रहे, मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया। ये तो आप करवा रहे हैं, कुछ नहीं दिया। अगर हजारों लाखों मात्रों की भर्ती कर डाली। अच्छा एक काम कर रहे हैं, हमने इन्होंने कहा कि हमने पुलिस भर्ती की, हमने उर्दू शिक्षक भर्ती कर लिए। एक चुटकुला बहुत चला उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल तक, वो ये कि अपराध के बाद जब कॉल किया गया तो किस तरीके से प्रक्रिया चलती है अपराध की जांच की, कि DIG यादव ने SSP यादव को फोन करके कहा कि SP यादव को बोलो, और उसने SHO यादव से फोन करके बोला कि कांस्टेबल यादव को वहां भेजिए। फिर कांस्टेबल यादव गए तो उन्होंने फोन करके बताया सर आरोपी यादव तो भाग चुका है। तो सर ऐसे रोजगार दिए अगर आपने तो जनता आपको वोट देगी क्या? तो ये तो क्या आप इस बात का आरोप नकार सकते हैं कि आरोप लगता रहा आप पर? एक पर्टिकुलर बिरादरी के ऊपर इस तरह की बात करते हैं सर, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ बात है। आपको आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 5 साल आपके ऊपर ही आरोप लगा लगातार करने का तरीका सर, आपके ऊपर 5 साल ही आरोप लगातार रहा, इसको आप नकार सकते हैं क्या? नहीं साहब, हमारे ऊपर लांछन लगाने वाले थे लोगों ने लांछन लगाया, लेकिन इस लांछन में आप उठा के देख ले पूरे छिद्रे को, अगर आबादी यादवों की है तो उन्हें कहां ले जाओगे? जनता से पूछ लेते सर, जाति का गठबंधन है सर, जनता से पूछ लेते हैं ना, जनता से सीधा सवाल पूछ लेते हैं, जनता पार्टी और बसपा जनता से सीधा सवाल पूछ लेते हैं, दोनों अपनी अपनी बात है, दोनों ही बता रहे हैं। हमारी जनता तो शांत है, आप जनता को जातिगत आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ये काम, और पिछले 25 साल से आप ही कर रहे हैं। कल तक चिल्ला रहे थे 27 साल यूपी में हाल, दोनों में कल तक चिल्ला रहे थे 27 साल यूपी में हाल, एक बार आपको बता देंगे एक हो गए। समाजवादी पार्टी कब तक चिल्ला रही थी, कांग्रेस पार्टी कब तक चिल्ला रही थी, आप देखिएगा क्या विकास कर रहे गए, इन्होंने विकास कर दिया। अरे सुनो 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 सुनो, एक हो गए, अरे एक को दो, एक तो दो आदरणीय बहन जी, सबसे पहले तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, 3 दफे सरकार बनाई, आप लोगों का गठजोड़ पक्का है, हमारा जो गठजोड़ है वो इतना मजबूत होगा आगे आने वाले 2019 में, क्या आपको लगेगा क्या है? चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, वोटिंग तो 11 तारीख को है, हम एक बार यही लाइव वोटिंग करवा के देख लेते हैं ना सर, आप में से किसके वादों पे जनता यकीन करती है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वादों पे कितने लोग यकीन करते हैं? हाथ नीचे रखे, हाथ नीचे रखे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बहुजन समाज पार्टी के वादों पे कितने लोग यकीन करते हैं? आप हमें बता देते तो यहाँ पे समाजवादियों का हुजूम दिखाई देता, हम तो चंद कार्यकर्ताओं के साथ हैं, ये वादों पे कितने लोग यकीन करते हैं? ये बताइए नोटा पर कितने लोग यकीन करते हैं? चलिए कम से कम आगरा में नोटा वाले लोग नहीं है, लोकतंत्र की ताकत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हमारा भी कहना यही है लोगों से कि आपका वोट आपकी ताकत है, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, वोट के दिन को छुट्टी का दिन मान के अपने घर मत बैठे रहिए, जाइए
अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और इस देश का, अपने प्रदेश का भविष्य बनाने में अपना योगदान जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी आज आगरा से इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। ये कारवां आगे बढ़ जाएगा, कल अगला एपिसोड कानपुर से होगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका।